This conference will now be recorded. Where we stopped. National economic, अच्छा macro का बस ये portion रह गया छोटा सा macro के बाद hopefully आज उम्मीद है micro को भी start कर देंगे. Let us be done with this economic thing. उसके बाद फिर हम jump करेंगे socio demographic factors के ऊपर. ये pestle का जो model है ये बड़ा renowned model है. ये already आपके exam में test भी हो चुका है पहले. इस मॉडल में इसको डिफरेंट वेज में टेस्ट किया जा सकता है. पेस्टल कैन बी टेस्टेड इन डिफरेंट वेज. फॉर एग्जांपल आपको एक केस स्टडी दी जाए और उसके ऊपर कहा जाए आपको कि अप्लाई करें पेस्टल एनालिसिस. ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन एक पास्ट पेपर में. ये भी पॉसिबल है कि पेस्टल में से किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर आपसे वो ब्रीफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड कर ले. Like a short note or something like that. So both type of questions are probables. ठीक है, दोनों किस्म के जो सवाल हैं ये बड़े probable हैं पेपर में आने के लिए. जैसे हमने economic factors के शुरू में discuss किया था कि national government की जो responsibility होती है वो economic policy को develop करना होता है. और किसी भी मुल्क की जो economic policy होती है उसकी economic ग्रोथ को जस्टिफाई करती है या उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है. इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड व्हेन यू ट्राई टू रीच फुल एम्प्लॉयमेंट, व्हेन प्राइसेस आर स्टेबलाइज्ड, और व्हेन देयर इज सम पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो हम कहते हैं कि ओके फाइन, देयर इज सम रियल ग्रोथ इन इकोनॉमी. और इकोनॉमिक ग्रोथ रियल होनी चाहिए. रियल ग्रोथ इकोनॉमी की इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को माइनस करके पता रखती है. As far as the impact of inflation is there, your economy is growing. Definitely it is growing, but it might not be real. तो जब inflation unavoidable होती है, you see, ये हम बात पहले भी करके आ चुके हैं, तो national income जो बढ़ रही है हर साल या आ रही है, it might exceed and has to exceed the rate of inflation. ठीक है ना? अगर तो आपकी इन national income जो है वो inflation के से कम है, तो it means कि actually आपकी रिसेशन है. एक्चुअली योर इकोनॉमी इज इन रिसेशन, इट्स नॉट इन प्रॉपर ग्रोथ. लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल लीड टू स्टेबल प्राइसेस, विच अल्टीमेटली लीड टू सम बेटर आउटकम इन द इकोनॉमिक सिस्टम्स. हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है दैट लीड टू इकोनॉमिक रिसेशन. और इसका एक और इम्पैक्ट पड़ता है करेंसी एक्सचेंज रेट के ऊपर. लाइक जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली एक मुल्क की करेंसी डीवैल्यू हो जाती है. तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था ना, हमने बात की थी लाइक डे बिफोर यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट दैट, कि अगर किसी मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो उसका आप क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट जबरदस्ती पुश डाउन कर सकते हैं. तो इफ यू कैन पुश डाउन द एक्सचेंज रेट, इट विल डेफिनेटली लीड टू सेन हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. उससे फिर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेंगे. ठीक है. So, in fact, while trying to bring the exchange rate down, it can have some negative impacts towards the economy of the country, towards the economy of the organization, overall country. दो किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज पाई जाती हैं जी. डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, एग्जैक्टली डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जो है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कैन अल्टीमेटली रिजल्ट इन. आप देखें ये बड़े एक आप समझ लें उसमें रिकर्सिव मैनर में ऑपरेट करती हैं चीजें. दे आर हाईली रिकर्सिव इन नेचर. लाइक वन थिंग माइट हैव एन इफेक्ट ऑन द अदर माइट अफेक्ट द फर्स्ट इन अ वाइस वर्सा मैनर. तो ये जो रिकर्सिव फैशन होता है मूवमेंट का, that leads to an important downshift in the economy. और इन तमाम चीज़ों से फिर बचने के लिए फिर countries क्या करती हैं, different economic policies बनाती हैं. Exactly. देखिए अगर आप economic system को market के रहमो करम पे छोड़ देंगे ना, so that might not lead to a good output in the country. Market dynamics are important. They are important. But you cannot just leave the economy on the market dynamics. आप इकोनॉमी, आप किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को मार्केट के डायनामिक्स पे नहीं छोड़ सकते. आपको पॉलिसी मेकिंग करनी होती है और ये पॉलिसी मेकिंग जो है दैट्स अ वेरी यू नो रिगरस प्रोसीजर.
हमारे मुल्क में अलमिया यही है कि यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग नहीं है एक्चुअली. वी डोंट हैव गुड पॉलिसीज. इवन वी हैव गुड पॉलिसीज, वी डोंट हैव एनी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म. पॉलिसीज हैं भी तो उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते या कर पाते हम. इकोनॉमिक पॉलिसीज, यू माइट हैव गॉन थ्रू दिस फिनोमेना, दो किस्म की होती हैं. एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी. पढ़ा ना आपने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में. फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? जी बेटा, फिस्कल और मॉनेटरी दोनों गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं. बट फिस्कल पॉलिसी का प्राइम कंसर्न क्या होता है? हाँ, फिस्कल पॉलिसी जो है, इट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द गवर्नमेंट अर्निंग्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग. फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी है टैक्सेशन के ऊपर, स्पेंडिंग के ऊपर और गवर्नमेंट बोरोइंग के ऊपर. हाउ मच गवर्नमेंट वुड अर्न, लाइक फिस्कल पॉलिसी जो है, नहीं, मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है. मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की होती है, जिसमें आपने कैश फ्लोज को देखना होता है, कितना पैसा छप रहा है इकॉनमी में, कितना पैसा फ्लोट कर रहा है इकॉनमी के अंदर. हाँ, मॉनिटरी पॉलिसी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये होती है फ्रॉम द पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक. फिस्कल पॉलिसी की जो जो मैनेजमेंट है, ये ऑब्वियसली इसको ओवरसी, इसकी गवर्नेंस तो गवर्नमेंट के पास ही होती है. दोनों पॉलिसीज की गवर्नमेंट टेक द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ ऑफ द पॉलिसीज. बट स्टिल ये जो हर साल बजट अनाउंस होता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी. जो ये हर साल बजट अनाउंस, जैसे अभी रिसेंट गवर्नमेंट आई है ना पीटीआई की, तो उन्होंने आते साथ ही इंटरिम बजट अनाउंस किया है. नून लीग जाते जाते अपनी टर्म का पांचवा बजट भी अनाउंस कर गई थी, जो कि उन्हें अनाउंस नहीं करना चाहिए था. उन्होंने जस्ट टू अनाउंस द बजट, एक्चुअली दे जस्ट यू नो मूव द होल प्रोसेस बैक. तो बट स्टिल अच्छा, हाँ, छठा बजट, एग्जैक्टली. हाँ सॉरी, छठा बजट, बिल्कुल सही कह रहे हैं. क्योंकि एक तो उन्होंने गवर्नमेंट में आते ही अनाउंस किया था ना, मई में आए थे गवर्नमेंट में, आते ही अनाउंस किया था. एग्जैक्टली, दैट वाज द सिक्स्थ बजट. सो फिस्कल पॉलिसी में आप क्या डिटरमिन करते हैं? सब्सिडीज किसे देनी है, टैक्स इंसेंटिव कहाँ कहाँ पे ऐड करना है, किस किस सेक्टर को ज्यादा टैक्स ब्रैकेट में लेके आना है, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर टैक्स कितना होना चाहिए, डिफरेंट मतलब जो कुछ भी आप गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और रेवेन्यू, फिर गवर्नमेंट ने खर्च कहाँ कहाँ करना है बजट में अभी भी बताते हैं. हेल्थ केयर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के कितने हैं, एजुकेशन प्रोजेक्ट कितने हैं गवर्नमेंट के, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं. ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ योर फिस्कल पॉलिसी. दैट इज डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टूवर्ड्स द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये अगेन देखें लिखा है, गवर्नमेंट यूजेज मॉनिटरी पॉलिसी एज वेल एज, तो अल्टीमेटली देखें कस्टोडियन दोनों के पास की जो है वो गवर्नमेंट ही है. कस्टोडियन जो है दैट इज एक्चुअली द गवर्नमेंट. मॉनिटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक फॉर्मुलेट करता है. मॉनिटरी पॉलिसी का काम होता है दैट दे हैव टू एस्टैब्लिश सम मॉनिटरी कंडीशंस व्हिच मस्ट बी फेवरेबल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. जी परफेक्ट. मॉनिटरी में हम मनी की सप्लाई, पैसे की सप्लाई और हम इंटरेस्ट रेट्स को डिस्कस करते हैं. सो मॉनिटरी पॉलिसी इज मेनली कंसर्न विद द फ्लो ऑफ कैश इन द इकोनॉमी. हाउ मच कैश इज फ्लोइंग, और मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर ही फिर आप इंटरेस्ट रेट्स को भी मैनेज करते हैं, क्योंकि अगेन इंटरेस्ट रेट्स भी मॉनिटरी पॉलिसी का पार्ट बन जाता है. हाँ, सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को, बिल्कुल, उनके इंटरेस्ट रेट्स को वो हैंडल करता है, वो मैनेज करता है. और ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे फिर आपका जो सेंट्रल बैंक है वो एक बेसिक, जैसे वो काइबर काइबर रेट कहते हैं ना, कराची इंटरेस्ट रेट है ना, कोई ऐसा काइबर रेट जो होता है, वो जो चेंज होता है डेली बेसिस पे, आई गेस. ठीक है, तो जब, अच्छा, इंटरेस्ट रेट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म. ओके, लेट्स सी हाउ इंटरेस्ट रेट्स वर्क्स. इंटरेस्ट रेट्स जो हैं ये कैसे काम करते हैं, लेट्स सी. यूएस, यूरो जोन, यूके, पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट की जो मैनेजमेंट है वो सेंट्रल बैंक के पास. मेनली सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करता है, इधर बढ़ा सकता है या कम कर सकता है. अच्छा, इंटरेस्ट रेट्स बड़ा प्रिसाइजली इन्फ्लेशन के साथ भी कनेक्टेड होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब एक एक ये इंडिकेशन इस चीज़ की है कि मुल्क के अंदर पीपल आर स्पेंडिंग मोर. व्हेन पीपल आर स्पेंडिंग मोर, डिमांड इज गेटिंग हायर, सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, अल्टीमेटली प्राइस हाइक्स पैदा होंगे. जो बेसिक फिनोमिना था उसका, इकोनॉमिक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई का. तो जब
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जब इन्फ्लेशन आती है तो गवर्नमेंट क्या करती है या सेंट्रल बैंक क्या करता है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देते हैं। जब आप शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो इससे बोरोइंग डिस्करेज होती है। जब बोरोइंग डिस्करेज होती है तो अल्टीमेटली कंजम्पशन नीचे आ जाती है। गेटिंग द पॉइंट? जब कंजम्पशन नीचे आती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम होती है तो प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाती है। इस फिनोमेना को, इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। दिस इज नोन एज ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, बट इट वर्क्स वेरी स्लोली थ्रू द इकोनॉमी। शॉर्ट टर्म मीन्स लेस देन अ ईयर। देखिए सेविंग की तरफ आ जाएंगे ना, लोग बोरोइंग कम करेंगे ना। लेट्स से पिछले साल एनुअल इंटरेस्ट रेट था 10%, इस साल गवर्नमेंट ने उसे बढ़ा के 15% कर दिया है। इट मींस के पीपल हैव नाउ मोर रिटर्न ऑन देयर सेविंग्स। अगर आपने बैंक में 10 लाख रुपए जमा कराए हुए हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, तो यू कैन अर्न 15%, विच वॉज लास्ट ईयर इट वॉज 10%। सो एक्चुअली योर अर्निंग्स आर ग्रोइंग। तो आप ज्यादा फिर सेविंग में तवज्जो देंगे, बोरोइंग पे तवज्जो नहीं देंगे। यू विल ट्राई टू सेव मोर, यू विल ट्राई टू स्पेंड लेस। व्हेन यू विल स्पेंड लेस, अल्टीमेटली डिमांड कम होगी, कंजम्पशन कम होगी। लेकिन ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जितना आसान लगता है इतना आसान होता नहीं है। नहीं बेटा, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ जाएगी ना, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ जाएगी, बिकॉज व्हेन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर हायर पीपल विल ट्राई टू इन्वेस्ट मोर। अल्टीमेटली लॉन्ग, हाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर अभी सवालिया निशान है। ये देखें, हायर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स कुड इवेंचुअली लीड टू हायर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी, आप पीपल विल बी इन्वेस्टिंग मोर इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, मतलब बैंक में सॉरी, और जो इन्वेस्टमेंट्स है शेयर्स में और बॉन्ड में वो कम हो जाएगी, दैट वुड डिक्लाइन। हाँ इट वुड बी एडिक्वेट टू अर्न गुड रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट्स। परफेक्ट, एग्जैक्टली। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं बेसिकली, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है बेसिकली वो इंक्रीज हो जाती है। सो वट एवर यू विल स्पेंड टुडे वुड डेफिनेटली बी ग्रेटर इन टुमारो, मतलब उसकी वैल्यू कल ज्यादा हो जाएगी। सो यू ट्राई टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट बाय इन्वेस्टिंग इधर इन प्रोजेक्ट्स और इन बैंक्स। तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेना। तो अब देखें, ये सारे के सारे बड़े इंटरवोवन कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर हाईली इंटरकनेक्टेड। एक तरफ इन्फ्लेशन ऑपरेट कर रही है, एक तरफ इंटरेस्ट रेट ऑपरेट कर रहा है, एक तरफ एक्सचेंज रेट ऑपरेट कर रहा है। ये तीनों बड़े इंटरकनेक्टेड हैं। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम होगी तो शायद एक्सचेंज रेट आपका स्टेबलाइज हो, एक्सचेंज रेट आपका स्टेबलाइज हो तो उसका भी इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट पर पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिस्ट जो होते हैं दे ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर, जिसे हम कहते हैं होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक व्यू लेते हैं, दे आर नॉट कंसर्न विद ओनली वन फैक्टर, दे आर कंसर्न विद ऑल द फैक्टर्स ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम। उनका कंसर्न सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, उनका कंसर्न बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारी की सारी जो मेजर्स हैं, दे माइट टेक सम इन्फ्लेशनरी प्रेशर आउट ऑफ द कंट्री और द इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में से कुछ इन्फ्लेशनरी प्रेशर बाहर निकल सकता है, जिसे कहते हैं डीफ्लेशन हो गई। So that's another important point to talk about. ये इसकी एग्जाम्पल है, यू कैन जस्ट रीड द एग्जाम्पल, या आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख लें। जब इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल होती है लेकिन गवर्नमेंट डिससेटिस्फाइड है विद द स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट गिरा देती है। इफ दे वॉन्ट टू इंक्रीज नेशनल इनकम, दे वॉन्ट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, तो इधर दे कैन बोरो मनी, लेट्स से एंड स्पेंड मनी, इट हैज टू अपना इन्वेस्ट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और मॉनिटरी मेजर में वो क्या करेंगे, दे माइट रिड्यूस शॉर्ट टर्म। ये एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट जो है, जो भी हमने ऊपर एग्जांपल दिया। इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शॉर्ट टर्म में, दैट कैन लीड टू अ पॉजिटिव आउटकम। आपकी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, बट गवर्नमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रेट ऑफ ग्रोथ। द गवर्नमेंट माइट लोअर द इंटरेस्ट रेट, एनकरेज बोरोइंग। जब बोरोइंग इनकरेज करेंगे, पीपल विल बोरो मोर, पीपल विल कंज्यूम मोर, डिमांड बढ़ेगी, अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। इकोनॉमिक पॉलिसीज आर नॉट नेसेसरली कंसर्न्ड विद ओनली फाइनेंशियल रिटर्न्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज आर आल्सो कंसर्न्ड विद एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स।
दोनों चीज़ें होती हैं। मेनली इकोनॉमिक पॉलिसीज का जो एम है वो पॉलिटिकल, सोशल और एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। इसमें हमारा जो मेन ज़्यादा फोकस है वो ये वाले ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दे आर मोर फोकस्ड, बट दे आर नॉट द ओनली फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। दीज आर नॉट द ओनली फोकस, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ऑल द थ्री ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे वर्क वेरी प्रिसाइजली टुगेदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक इसमें कॉन्सेप्ट है ट्रेड एम्बार्गो का। एम्बार्गो क्या होती है, एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज ट्रेड एम्बार्गो? हाँ, क्या आप प्योरली बैन कर देते हैं ट्रेड को विद इन विद अ स्पेसिफिक कंट्री? एग्जैक्टली, बैन कर देना, ट्रेड एम्बार्गो कहते हैं, टोटली बैन कर देना किसी मुल्क से इम्पोर्ट को, ताकि आप पॉलिसीज को प्रेशराइज कर सकें उस मुल्क में इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करने के लिए। इसमें एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स भी आ जाते हैं। याद है हमने ऊपर एक एग्जांपल पहले डिस्कस की थी कि एक शिपमेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न्स की यूरोप से रिटर्न कर दी गई अमेरिका को, बिकॉज उनकी एनवायरमेंटल पॉलिसीज के अंदर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही थी। बिकॉज इन यूरोप जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कॉर्न्स हैं दे आर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, उनकी हिस्सा नहीं है उनकी एनवायरमेंटल पॉलिसी का। इसी तरह यूनाइटेड नेशन ने ट्रेड एम्बार्गो कर दी थी अगेंस्ट ईरान फ्रॉम 2006, विच वॉज इंटेंडेड टू परसुएड ईरान टू अबंडन देयर न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अमेरिका चूंकि दुनिया का चौधरी है ना, बेसिकली अमेरिका वॉन्ट्स टू स्टे एट द टॉप, तो ईरान ने न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक चलाया था। एग्जैक्टली, हाँ, ये वही एग्जाम्पल आ गई। बिल्कुल, हाँ, नाउ ये सैंक्शंस आर इम्पोज ऑन ईरान बाय, एग्जैक्टली, क्योंकि वी आर ड्रिवन बाय अमेरिका ना। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे जो बिजनेस डिसीजंस हैं ये अमेरिका ड्रिवन है, ठीक है ना, दे आर ड्रिवन बाय अमेरिका। तो उसके अंदर फिर जब अमेरिका चाहता है, अभी आजकल ये आप देखें, खैर डिबेट पॉलिटिकल हो जाएगी, बट वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दिस सडन डाउनफॉल इन नून लीग और ये मियां साहिबान जो है, इसकी सडन डाउनफॉल के पीछे वन ऑफ द की रीजन, चले खैर उनके अपने जो भी करतूत थे सो थे, करप्शन एंड ऑल दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट देर वॉज वन मोर रीजन, एक और वजह वो ये थी कि देवर हाईली इंक्लाइंड टूवर्ड्स चाइना, और अमेरिका को ये पसंद नहीं, ठीक है ना। हाँ, दिस टाइम ईयू इज विद ईरान, एग्जैक्टली, इज द ऑब्वियस। देखे ना, कहीं ना कहीं तो स्नप करना ही है ना आपने किसी। अभी देखें टर्की लीरा का क्या हाल किया, ठीक है, अब टर्की का जो की जो करेंसी है लीरा, हाउ स्टीपली इट हैज डिक्लाइंड, दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजन। अच्छा, वो कौन सा है, आई डिडंट नो दैट, वो कौन सा है, बट एनी हाउ, मतलब अगेन ये बड़ी, वो कहते हैं बड़ी हाई लेवल की गेमें होती हैं, तो बड़ी ऊंचे लेवल की गेमें हैं। अच्छा, के इलेक्ट्रिक कभी को निकला है इसका, चलो वेरी गुड। लेकिन अगेन चले, वो तो सारी करप्शन तो जो की है सो की है, अपार्ट फ्रॉम दैट करप्शन करने के बावजूद भी बचे जा सकते थे, लेकिन वो जो एक होता है ना एक्सपोज हो जाना, उसके पीछे बहुत सारी पोलिटिकली ड्रिवन मोटिव भी होते हैं। तो बेसिकली ये नून लीग के डाउनफॉल के पीछे जो पॉलिटिकली ड्रिवन मोटिव जो है ना अमेरिका का, वो बहुत बड़ा था। वो ये था कि पाकिस्तान इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स चाइना, इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक, ये तमाम चीजें। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं ये बहुत डीपली अफेक्ट करते हैं कंट्रीज की इकोनॉमी को। एक और एग्जाम्पल देखें, 2007 में यूएस गवर्नमेंट ने परसुएड किया डब्ल्यूटीओ को कि वो बैन कर दे सब्सिडीज फॉर डीप सी फिशिंग। दे शुड बैन द सब्सिडीज ऑफ डीप सी फिशिंग, और पर्पस क्या था कि डीप सी फिशिंग बिजनेस को लेस प्रॉफिटेबल किया जाए, ताकि वर्ल्ड का जो, दुनिया का जो डीप सी फिश का स्टॉक है उसे डिप्लीट होने से बचाया जाए। सो दे एक्चुअली वांटेड टू प्रिजर्व द डीप सी फिश स्टॉक। तो ये अभी देखिए ना, दैट्स एन एनवायरमेंटल कंसर्न, दैट्स एन एनवायरमेंटल कंसर्न। तो इकोनॉमिक पॉलिसी एम सिर्फ आपके प्योर मॉनिटरी ड्रिवन नहीं होते, बल्कि उसके पीछे सोशल कंसर्न्स भी होते हैं आपके, उसके पीछे एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी होते हैं, ठीक है, देयर अदर कंसर्न्स एज़ वेल।
हाँ, ये जो वेस्ट है, बिल्कुल। अब देखें ना, आजकल ये बड़ी वेस्ट रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली एनकरेजिंग इंडस्ट्रीज टू रिसाइकल द वेस्ट, क्योंकि जितनी आप वेस्ट को रिसाइकल करते हैं उतनी डिस्पोजल कम होती है वेस्ट की, उतना आप कम डिस्पोज करते हैं, द फ्यूअर वेस्ट यू विल डिस्पोज दैट विल डेफिनेटली हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन योर एनवायरनमेंट। तो एंड बीइंग एन बिजनेस, अब देखें ना, बीइंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपका किरदार क्या है यहाँ? आपका रोल यहाँ पे ये है कि आप अब कैसे अपना उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल इकोनॉमी और अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। सस्टेनेबिलिटी तो वैसे ही एक बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है। इनफैक्ट इन माय पीएचडी आई एम आल्सो वर्किंग ऑन सम हाउ ऑन रिस्क एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर तो वैसे ही बहुत काम हो रहा है आजकल दुनिया में, रिसर्च बड़ी हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये तो अभी तक हमने बातें की है नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसके अलावा देर आर सम इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट आर ऑपरेटिंग एट इंटरनेशनल लेवल। सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती है लाइक वर्ल्ड बैंक, जिसमें वो क्या करते हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक सम एफर्ट्स टू हेल्प पुअर कंट्रीज। ठीक है ना, दुनिया में ये अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी ट्रेड सरप्लस पैदा होता है, व्हेनेवर देयर इज ट्रेड सरप्लस, पुअर कंट्रीज आर ऑलवेज ट्राई टू बी हेल्प्ड आउट। गरीब ममालिक को आप हमेशा हेल्प करने की कोशिश करते हैं, यू ट्राई टू यू नो मेक देम मोर सस्टेनेबल। कैसे करते हैं? अगेन, ट्रेड सरप्लस को आप इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रेड सरप्लस को आप इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में, ट्रेड सरप्लस को आप इन्वेस्ट करते हैं इन डिफरेंट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, हाँ, एग्जैक्ट, अगेन दैट इज अनदर बेल आउट पैकेजेस जो होते हैं आपका आईएमएफ की तरफ से। ये भी एक, दिस इज वन ऑफ द एफर्ट जिसके थ्रू आप पुअर कंट्रीज को या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को आप हेल्प करते हैं। दुनिया में इकोनॉमीज हैं वो तीन किस्म की होती हैं, एक होती हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज, एक होती हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज और एक होती हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। तीन किस्में होती हैं इकोनॉमीज की। डेवलप्ड इकोनॉमीज मीन्स के वो इकोनॉमी जिनकी पर कैपिटा इनकम एक सर्टन लेवल पे है, जो एक सर्टन जीडीपी को अचीव करती हैं। अब पाकिस्तानी जीडीपी जो है दैट इज बिलो 50th percentile अक्रॉस द वर्ल्ड। पाकिस्तानी इकोनॉमी वॉज डेवलपिंग इकोनॉमी इन मुशर्रफ रेन, मुशर्रफ के दौर में डेवलपिंग थी, और सिंस जरदारी केम थैंक्स टू हिम 2008 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तानी इकोनॉमी ऑल्सो वेंट बैक टू डेवलप अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। लेट्स सी नाउ हाउ इट वर्क्स आउट। अभी कल ही मैं एक आर्टिकल देख रहा था, पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में 196 ममालिक में 194 नंबर पे। जस्ट इमेजिन, ये वर्थ है पाकिस्तानी पासपोर्ट। आउट ऑफ 196 कंट्रीज पाकिस्तानी पासपोर्ट इज रैंक्ड एट 194th नंबर। ये जो इम्पैक्ट पैदा होते हैं ये इकोनॉमिक सिस्टम से आते हैं। ये जो इम्पैक्ट पैदा होते हैं ये इकोनॉमिक सिस्टम से पैदा होते हैं। अगर इकोनॉमिक सिस्टम्स मुल्क के सही होंगे, अच्छा, एक एक बड़ा मजे का इंडेक्स है जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स, जीसीआई। नेट पे सर्च कीजिएगा ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स। ये 12 पिलर्स का इंडेक्स है। ये 12 पिलर्स पे ना दुनिया के कोई तकरीबन 140 कंट्रीज की रैंकिंग करता है। जीसीआई रैंक 140 कंट्रीज ऑन 12 पिलर्स। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इन 12 पिलर्स के अंदर पाकिस्तानी इकोनॉमी इज नाउ डेवलप मूविंग टूवर्ड डेवलपिंग। अभी डेवलपिंग की अम्ब्रेला में आई नहीं है, अगर आप इसके इकोनॉमिक सिस्टम में जाकर देखें, आई एम नॉट श्योर बट स्टिल मेरा ख्याल है कि डेवलपिंग में दाखिल हो जाएगी और फर्दर कुछ सालों में। एनीवे, जीसीआई के अंदर ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर देयर आर 12 पिलर्स, 12 पिलर्स हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उन 12 पिलर्स में वो कौन कौन से पिलर्स हैं, लाइक प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हेल्थ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के 12 पिलर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान हर पिलर में 140 में से 137 में, 135 नंबर पे, 130s में। उसमें एक पिलर है कंज्यूमर मार्केट का, मार्केट साइज का। पाकिस्तान हैज द 8th लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की दुनिया में 8वीं बड़ी कंज्यूमर मार्केट। पाकिस्तान इज 4th लार्जेस्ट कंट्री दैट इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स। पता, दुनिया में पाकिस्तान का चौथा नंबर है एक्सपेंसिव, महंगे स्मार्टफोन इम्पोर्ट करते हैं। अमेरिका में स्मार्टफोन यूजर्स कम है, पाकिस्तान में स्मार्टफोन यूजर्स ज्यादा है। जस्ट इमेजिन।
यानी एप्पल आईफोन ज़्यादा अमेरिका में कम इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इवन दो के अमेरिकन ब्रांड है, कैलिफोर्निया में डिज़ाइन होता है लेकिन इस्तेमाल पाकिस्तान में होता है। सो मेनी रीजंस आते हैं। हाँ, पॉपुलेशन इज अनदर रीजन, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी, ये हमने कल भी वैसे डिस्कस किया था। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। People have hell amount of money. People don't pay taxes. There are only 2 lakh people out of 20 million people pay taxes in Pakistan. Pakistan में 20 करोड़ की आबादी का मुल्क है जो कि अंडर स्टेटेड है। 22 करोड़ आबादी का मुल्क है पाकिस्तान, तो 22 करोड़ आबादी में से सिर्फ 2 लाख लोग टैक्स देते हैं, पता होगा, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं। खैर, इस पे बहस चलेगी तो फिर मेरे इमोशंस भी मुझे ड्राइव कर देंगे। एनी हाउ, बट स्टिल इट इट शुड नॉट हैपन, इट शुड नॉट हैपन। हाँ, वो कहते हैं ना, किसी का मुंह लाल देखें तो अपना चपेड़े मार के कर लें। हमारा वो हिसाब है एक्चुअली, वी आर दैट इकोनॉमी। व्हेन वी सी समवन ग्रोइंग, हम ऐसे ब्रांड के चक्कर में पड़ते हैं कि हमने फिर शो ऑफ तो करना होता है ना, वी हैव टू शो ऑफ। ओके, इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर्स, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर्स में अगेन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दीज फैक्टर्स, कि नेशनल जो इकोनॉमीज हैं वो बहुत हद तक डिपेंड करती है इंटरनेशनल इकोनॉमीज के ऊपर। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर रिवीजन पर्पस। बिल्कुल, और तो जब मुशर्रफ गया था हम गालियां निकालते हैं, इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, हमने ये बात शायद बात पहले भी की थी, जितनी तरक्की हुई है ना मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में, सारी की सारी आपके आर्मी के दौर में हुई। अयूब खान के दौर में, नाइनटीन लेट सेवेंटीज में, अर्ली एटीज में अयूब खान का दौर था। अयूब खान के दौर में टेक्सटाइल लगी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। आखिरी डैम जो बना था पाकिस्तान में वो अयूब खान के दौर में बना था, तरबेला डैम। अब इनको याद आ रहा है 30 साल गुजरने के बाद कि हो हमें डैम चाहिए, वी नीड अ डैम। इनको अब इंग्लिश वाला DAMN वाला डैम चाहिए, दे एक्चुअली नीड अ डैम, दे डोंट नीड DAM डैम। एनीवे, तो वन, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 1.1 ट्रिलियन रुपीस इस वक्त सिर्फ पंजाब का डेट है। अ सिंगल पाकिस्तानी इज अंडर अ डेट ऑफ 135,000 रुपीज इस वक्त। एक एवरेज पाकिस्तानी के ऊपर 1,35,000 रुपया टैक्स है, टैक्स कह रहा हूँ, डेट है, सॉरी डेट है। तो चलें आप फिर सारे अपना अपना तो निकाले ना, यहाँ रखें सारे निकाल के, लेट मी कलेक्ट द डेट। ओके, ये कुछ एग्जांपल देख लें यार, ये अच्छी एग्जांपल है। गवर्नमेंट ने इनकम रेज कर दी है 20 से 25%, इनकम टैक्स, सॉरी टैक्स रेज कर दिया, तो हाउ द हाउस होल्ड विल रिएक्ट, वेरी सिंपल। हाँ, उसके बाद हम डेमोक्रेसी का शिकार हो गए, है? उसके बाद जमहूरियत आ गई, कंजम्पशन कम हो जाएगी। बिल्कुल सही, कंजम्पशन कम हो जाएगी, लोगों की शॉर्ट टर्म कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी। ओके, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है 4 से 5%, अब क्या होगा, बोरोइंग कम हो जाएगी, लेंडिंग ज्यादा हो जाएगी, स्पेंडिंग आपकी कम हो जाएगी, उसके अगेंस्ट आप कि सेविंग बढ़ जाएगी, पीपल विल ट्राई टू सेव मोर, डिमांड लेस, ठीक है ना। सो दीज आर सम वेरी बेसिक एग्जांपल, इसी किस्म के एग्जांपल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर के अंदर, यू माइट एक्सपेक्ट सर एग्जांपल इन द एग्जामिनेशन एज वेल। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट मैक्रो, काफी हमने घसीट लिया मैक्रो, माइक्रो को थोड़ा सा देख लें। माइक्रो के अंदर, माइक्रो इकोनॉमी इज द इकोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म्स, वेरी सिंपल, ये इंडिविजुअल्स की और फर्म्स की इकोनॉमी होती है, इंडिविजुअल्स के ऊपर ऑपरेट करती है। आप इंडिविजुअल बायर, इंडिविजुअल सेलर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिमांड सप्लाई की, उसके ऊपर आप बहस करते हैं, ठीक है ना। एंड इट लीड्स टूवर्ड्स द बेसिक, टू अंडरस्टैंड द बेसिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिटरमिन करती है हाउ डिसीजंस एंड बिहेवियर्स आर अफेक्टेड बाय सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स एक्चुअली इज ऑल अबाउट बिहेवियर्स, इट्स नॉट नेसेसरली अबाउट मॉनिटरी मूवमेंट प्लस माइनस, ये बिहेवियर्स को भी मेजर करती है।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में चार चीजें हैं, डिमांड, सप्लाई, प्राइस एंड कॉस्ट। वेरी सिंपल। तो मेरा ख्याल है कि इसमें इतनी गुड डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है मुझे। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, मेरा ख्याल है माइक्रो तो सबने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी होगी ना। मैक्रो के कॉन्सेप्ट फिर भी थोड़े से कमजोर होते हैं, लेकिन माइक्रो के कॉन्सेप्ट जो है दे आर लाइक मोर इफेक्टिव। ऐसे ही तो डिमांड जो होती है दैट इज द प्रोडक्ट विच इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट अ सर्टेन प्राइस। हायर दैट प्राइस लोअर विल बी द डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड ये कहते हैं। हायर द प्राइस हायर विल बी द सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई ये कहते हैं। दोनों को कन्वर्ज करें तो ये आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते हैं। दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर आप प्राइस को बढ़ा के पी से पी वन पे ले आते हैं तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। दिस इज सप्लाई। इससे क्या चीज पैदा होगी, व्हाट दिस गैप शोज, ये गैप क्या है, दिस गैप है सरप्लस। वेरी गुड। जब सरप्लस क्रिएट होता है तो मार्केट फोर्सेस फिर फोर्सफुली प्राइस को नीचे करती है। आप प्राइस यहाँ पे लें, कम कर दें प्राइस को, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। इससे क्या पैदा होगा, शॉर्टेज हो जाएगी। जब मार्केट में शॉर्टेज होती है तो ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस प्राइस को बढ़ा देती हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि मार्केट फोर्सेस विल टेंड टू पुश द प्राइसेस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। मार्केट फोर्सेस जो होती हैं प्राइस को पुश करती हैं टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्राइसिंग एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। प्राइसिंग में डिफरेंट टाइप्स होती हैं प्राइसिंग की। देयर इज मोनोपोली प्राइसिंग, देयर इज कंपेटिटिव प्राइसिंग। ठीक है, दोनों किस्म की प्राइसिंग डिफरेंट होती है। हाउ डू वी डिसाइड व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर, क्वांटिटी। ये फिर आपके शिफ्टर्स हैं ना। अगर अगर प्रोड्यूसर्स बढ़ जाएंगे तो आपकी सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी, सप्लाई यहाँ आ जाएगी। ये शिफ्टर्स हैं आपके। ये जो क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम सिर्फ इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल क्वांटिटी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है देन दीज विल बी शिफ्टर्स। डिमांड शिफ्टर, सप्लाई शिफ्टर, पढ़े हुए सारे, अगेन इसमें नहीं है लेकिन आपने पढ़े हुए ना सारे। तो दैट इज गोइंग टू लीड टूवर्ड्स शिफ्टर्स। कि अगर ओवरऑल क्वांटिटी ही प्रोडक्शन की इंक्रीज हो गई है तो आपकी अब सप्लाई शिफ्ट कर देगा। अब आपका नया सप्लाई कब ये बन जाएगा, अब आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ जाएगा। दिस इज योर न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, मोनोपोली प्राइसिंग वहां पे होती है जहां पे देयर इज वन सेलर, मेनी बायर्स एंड डोमिनेटेड बाय वन पर्टिकुलर सेलर। मोनोपोली मार्केट्स के अंदर इंडिविजुअल कंपनीज जो हैं इनका बड़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, कर्व की स्लोप बहुत हाई होती है। हाँ, अच्छा, दैट्स अ सेपरेट डिबेट देन। देखें, अगर तो आप वेरिएबल्स की बात करें तो यू अंडरस्टूड है कि प्राइस विल ऑलवेज टेकन ऑन वाई एक्सिस, क्वांटिटी विल ऑलवेज बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं जो डिटरमिन करते हैं क्वांटिटी को या प्राइस को, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। प्राइस डिटरमिनिंग फैक्टर्स या क्वांटिटी के डिटरमिनिंग फैक्टर्स हैं वो हमारे स्कोप में नहीं है। ठीक है, ओके। डिमांड कर्व्स आपको याद होगा दो किस्म के हैं। दिस इज फॉर सम टाइप ऑफ इलास्टिक एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज इनइलास्टिक। मोनोपोली के अंदर परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, लाइक दिस, दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक। याद है ये कर्व्स, याद है, यू रिमेम्बर दिस कर्व्स है ना। तो मोनोपोली के अंदर जो सप्लायर है दे आर इन अ पोजीशन टू सेट प्राइसेस, मोनोपोली प्राइसिंग के अंदर। कंपेटिटिव मार्केट्स के अंदर जहाँ पे देर इज इक्वल नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, वहाँ पे फिर आप बहुत कंपेटिटिवली ऑपरेट करते हैं। यू आर वेरी मच केयरफुल अबाउट वॉट योर योर कंपेटिटर इज चार्जिंग, और आप शॉर्ट टर्म प्राइसिंग टैक्टिक्स भी यूज करते हैं, लाइक यू गिव सम सेल प्रमोशन, यू गिव सम प्राइस रिडक्शन, बेटर क्रेडिट टर्म्स, डिफरेंट आप टैक्टिक्स यूज करके फिर अपनी प्राइसिंग डिसीजन को ऑप्टिमल बनाते हैं। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मीन टू मैक्सिमाइज सम बेनिफिट। तो प्राइस के साथ फिर कॉस्ट भी है हमारे पास। कॉस्ट एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करने वाले कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं? लॉन्ग रन में सेल प्राइस जो है दैट मस्ट एक्सीड एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाए होंगे ना इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का कर्व आपने बनाया।
लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है दैट मस्ट बी लेसर देन द सेल प्राइस. अगर कॉस्ट प्राइस से हायर है तो बिजनेस विल डेफिनेटली मेक अ लॉस, कैन नॉट सर्वाइव. कॉस्ट को डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो आपकी जो प्राइम कॉस्ट है द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फिर इन्फ्लेशन है, एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट्स हैं लाइक जनरल एक्सपेंसेस हैं, वेजेस हैं, क्वालिटी है. ऑल ऑफ दीज आर द की फैक्टर दैट डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. द हायर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द चैलेंजेबल इट विल बिकम फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू सर्वाइव. तो फिर यहाँ पे फिर डिपेंड करते हैं कि आप अपने आप को पोजीशन कैसे करते हैं, हाउ डू यू पोजीशन योरसेल्फ. जैसे नेस्ले ने अपने आप को पोजीशन किया हुआ एक प्रीमियम ब्रांड के तौर पर, सो दे आर नॉट कंसर्न अबाउट कॉस्ट. दे बिलीव कि कस्टमर वुड बी विलिंग टू स्पेंड मोर, दे फोकस मोर ऑन क्वालिटी. इसके बरक्स अगर गोरमे की मिसाल ले लें, दे माइट बी मोर प्राइस कॉन्शियस. कॉस्ट का डिसीजन बहुत हद तक आपके मार्केटिंग पर डिपेंड करता है, आपके नाम पर डिपेंड करता है, आपके ब्रांड पर डिपेंड करता है. कुछ इदारे प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं. प्रीमियम प्राइस कहते हैं चार्जिंग अ हायर प्राइस देन एवरेज प्राइस. नेस्ले प्योर लाइफ पानी की बॉटल है इस वक्त 210 रुपीज की पर 19 लीटर. 4 गैलन की बॉटल जिसमें 19 लीटर होते हैं वो बॉटल मिलती है 210 रुपए की. गोरमे की कितने की मिलती है? 100 रुपए की, 100 रुपीज की. किसी ऐसा यार लेबोरेटरी ने एक मिनरल कंटेंट टेस्ट परफॉर्म किया चंद साल पहले गोरमे और नेस्ले के पानी पे, तो बता रहा कि दोनों के अंदर जो मिनरल कंटेंट है वो एक जैसा है. एक्चुअली दैट इज नॉट मिनरल वाटर. हम ये कहते हैं मिनरल वाटर है, ये होता नहीं मिनरल वाटर. इसे एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू इसमें आर्टिफिशियली मिनरल ऐड किए होते हैं. जी बिल्कुल. एंड और ये भी मतलब इसके भी शायद चीफ जस्टिस ने कोई नोटिस लिया है ना कि पानी के साथ भी कितना बदसलूकी कर रहे हैं, कितना महंगा पानी भेज रहे हैं. आई हैव हर्ड चीफ जस्टिस ने कोई रिमार्क्स नहीं है दिया कुछ सो मोटो उसने. अच्छी बात है, लेना भी चाहिए. नहीं हाँ, तो ये अब नेस्ले ने अपने आप को जो कि प्रीमियम ब्रांड के तौर पे पोजीशन किया हुआ है ना अपने आप, सो दे हैव ऑल द राइट टू चार्ज हायर प्राइस एंड कस्टमर इज विलिंग टू पे मोर. तो कॉस्ट अगर आप अपनी कंट्रोल नहीं कर सकते तो यू देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ब्रांड, बिकॉज देन कस्टमर वुड बी विलिंग टू पे हाई प्राइस फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. बट देर आर सम कस्टमर दैट प्रेफर लो क्वालिटी एट लोअर प्राइस. इन्हें कहते हैं प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर्स. ये प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर्स होते हैं जो लो प्राइस प्रेफर करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बेसिकली देर आर सम डिसीजन मेकर जो ये डिटरमिन करते हैं कि हमने किस किस्म की कॉस्टिंग पे खेलना है. ठीक है ना? इफ अ कंपनी इज एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट देन दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू रिड्यूस देयर प्राइस. ये आगे जाके पढ़ेंगे. अभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं इसको. जब इदारे बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक बेहतर पोजिशन में होते हैं प्राइस कम करने की. हाँ जी, दे आर मोर क्वालिटी कॉन्शियस पीपल. वो एक्चुअली वॉन्ट सम क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर अ हाई प्राइस एंड दे आर विलिंग टू स्पेंड मोर. वो उस पर ज्यादा स्पेंड करने को विलिंग भी होते हैं. If they are willing to spend more, they will definitely. तो ये क्लास ही अलग होती है. ये खैर ये इट्स नॉट फॉल हेयर, ये मार्केटिंग का टॉपिक है बेसिकली. इसे हम मार्केटिंग में डिस्कस करते हैं कि किस तरह इदारे जो हैं वो डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं और वो डिफरेंटली अपनी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करते हैं. लाइक कुछ इदारे जो ज़्यादा प्राइस फोकस्ड होते हैं दे डोंट चेंज देयर कोर्स ऑफ एक्शन जस्ट बिकॉज के मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा लो प्राइस डिमांड कर रहा है, क्योंकि उनकी अपनी क्लास जो है वो डिफाइंड है. हाँ, इसे हम कंज्यूमर टारगेटिंग कहते हैं मार्केटिंग के जमाने में. आई गेस आपने अगर ओ लेवल्स या ए लेवल्स किसी ने किया हुआ है यहाँ पे तो उसे अपनी ज़्यादा चीज़ें बेहतर बताऊँगी 4 P's और 7 P's ऑफ मार्केटिंग की. ठीक है ना? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स अ बेटर मार्केट फिनोमेना. ओके, यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन सो फार? ग्रेट, चलिए लेट्स कीप इट अप टिल हियर फॉर टुडे. इंशाल्लाह कल फिर इनकम पे बात करते हैं, अदर फैक्टर्स
और इलास्टिसिटी कल माइक्रो कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, और सोशियो डेमोग्राफिक कल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? सो वी विल बी कंप्लीटिंग माइक्रो टुमारो। हाँ कल तो जुम्मा है, इवनिंग टाइम ओके कर दें 7 बजे कल पे, बिकॉज ऑफ फ्राइडे। नहीं निशा ने मना कर दिया, चलो फिर आपकी उसके बाद फिर 3 बजे के बाद आपकी कब? 2 बजे कर लें, कैन बी स्टार्ट एट 2। चलें लेट्स स्टार्ट एट 2, ठीक है 2 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चल थैंक यू, ओके ओके विल स्टार्ट एट 2, ठीक है? ओके बेटा, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।